हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी माउस अगर काम करना बंद कर दे तो आप कैसे काम करेंगे? कीबोर्ड से सिर्फ? अगर मान लीजिए ऐसा डेटा आपके पास है और अभी अगर माउस काम करना बंद कर दे तो कीबोर्ड से कैसे काम करें एक्सेल में? तो देखिए क्या करना है, नेविगेशन की दिया होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, उससे आप चले जाइए और पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दीजिए। डाटा में कहीं पर भी क्लिक रखेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, पूरा डाटा ही सेलेक्ट होगा, पूरा आपका शीट सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये करके आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है ताकि सारा टेबल ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाए। Alt H O I प्रेस करते ही सारा टेबल ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी, क्योंकि हम लगाना चाहते हैं बॉर्डर, तो Alt H B A करने से पूरे पे बॉर्डर लग जाएगा। अब हम चाहते हैं ऊपर की जो हेडिंग है ये कलर हो जाए, तो आप किनारे वाले यानी लेफ्ट वाले सेल पर जाकर के क्लिक रखिए, और वहां से क्लिक रखने का मतलब वहां पे कर्सर को रखिए, ठीक है, माउस से क्लिक नहीं करना, शिफ्ट दबा लीजिए यहाँ रहते हुए, और जो राइट नेविगेशन की है उसको प्रेस कीजिए एक एक करके। तो देखिए यहां तक ये सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt H। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा हाईलाइट वाला, यहाँ पर देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये फिलहाल तो मैं माउस से ही कर रहा हूँ इंडिकेट, देखिए सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे माउस से क्लिक नहीं करूंगा, मैं कीबोर्ड से ही जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या प्रेस करना है, H प्रेस करना है, तो H प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर नीचे आइए, और नीचे आने के बाद क्या करना है, ये जो येलो वाला अगर जो भी चाहिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये वाला चाहिए तो ये वाला ले लीजिए, जो भी कलर चाहिए यहाँ पे लगा दीजिए। इस तरीके से आप लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है।